तो आती रहती है, आपकी बात हो तो वो बढ़िया होती है। किसी की कोई शंका होती है, जानने की जिज्ञासा होती है, तो उसमें बातें अच्छी पैदा होती है। मेरे मन में तो मैं जो कहता रहता हूँ उसको कोई मूल्य नहीं है। कहती अपने मन में आपकी कुछ जिज्ञासा हो, भूख हो। हाँ बोलो। अष्टावक्र गीता है, उसमें एक श्लोक है, तो वो कहते हैं समझना चाहते हैं। भवोयम भावना मात्रो न किंचित परमार्थतः नास्य भावः स्वभावानां भावाभाव विभाविनां। क्या हो जाएगा, नहीं समझ लो क्या होता है। अपने जीवन में इसके समझने से तो क्या लाभ हो जाएगा, इसको न समझने से क्या हानि है, बाधा क्या रहेगी। बोलो। देखो बात वो करने जो अपने उद्धार की बात हो, अपने कल्याण की बात हो, शंका हो, संदेह हो, ऐसी जिसके जानने से कल्याण हो जाए, न जानने से बाधा लगती हो, उस बात को जानो। बोलो महाराज जी। हाँ। हमारे जो नाशवान है, हाँ, इसका तो महत्व नहीं, अविनाशी ने अपने आप को नाशवान मान लिया, हाँ, हमारे पास तो क्या उपाय है कि हम अपना सुधार उधार करें। अविनाशी ने नाशवान मान लिया, तो अविनाशी को नाशवान कैसे माना? अविनाशी को नाशवान कैसे माना? हाँ तो महत्व नहीं दिया, नाशवान सही माना। मानो अविनाशी जीवन है, उसको नाशवान कैसे माना? अविनाशी पने को महत्व नहीं दिया, उसका आदर नहीं किया, तो वो आदर नहीं किया तो अपनी हानि हुई, नुकसान हुआ, बहुत बड़ा भारी नुकसान है। अपने अनुभव का आदर करने से बहुत बड़ा लाभ है, बहुत विशेष लाभ है। देखो गीता माया है, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। सत वो सत ही है और असत वो असत ही है। अब इस पर विचार करो, यही बात इसमें है। ये जो अष्टावक्र गीता का श्लोक है उसमें यही भाव है कि ये संसार का भाव मान रखा है आपने, है ये भाव मान रखा है, ये वास्तव में संसार की भावना बनाई हुई है, संसार की सत्य सिद्ध सत्ता नहीं है, ये भाव मान रखा है। तो शरीर और संसार है ये तो सत्य स्वाभाविक मिट रहे हैं, हरदम मिट रहे हैं, हरदम इसमें कभी विश्राम नहीं होता भाई, कभी मिटे कभी न मिटे, किसी क्षण भी आप काम करो न करो, भोजन करो बात करो, धंधा करो न करो, सो जाओ बैठ जाओ, नींद ले लो, कुछ भी करो, तो इनका अभाव तो हो ही रहा है बिना पूछे। जैसे गंगा जी का प्रवाह सफेद चलता है, कोई देखे न देखे, ध्यान दे कोई न दे, गंगा जी का प्रवाह तो बहता ही रहता है।
ऐसे ये संसार का प्रवाह, शरीर का प्रवाह अभाव में जा रहा है निरंतर। आप दृष्टि डालो तो मर्जी, न डालो तो मर्जी। तो ये तो अभाव में जा रहा है, तो इसमें अभाव में जा ही रहा है। इसमें एक बात है कि जो अभाव को जानने वाला है उसका अभाव नहीं है, जानने वाले का अभाव होता है तो अभाव हो रहा है ये कौन कहता। तो जानने का अभाव नहीं है तो उसका अविनाश कैसे मना, अविनाशी है जानने वाला भाव रूप है, वो है जो का क्यों है। और क्रिया जितनी है वो जब नाशवान में ही हो रही है, और वो है जो का क्यों स्वतः स्वतः सिद्ध स्वाभाविक तत्व है जो का है। तो अविनाशी अविनाशी है और विनाशी विनाशी है, दोनों चीजें ऐसी स्पष्ट है साफ। ये सब जितना देखना देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही जितना किया जाए ये मोह मूल है, परमार्थ तत्व से है नहीं, नाश के दूर जा रहा है। और आप स्वयं है वो सत है, सत स्वरूप है आप, तभी तो असत का ज्ञान होता है। असत का ज्ञान सत से ही होता है, सत का ज्ञान भी सत से ही होता है। तो असत है ये नाशवान है, नाश हो रहा है। तो इतनी बात जाननी को ज्यादा जाननी नहीं है, इतनी जाननी है कि ये परिवर्तनशील है, रहने वाला नहीं है, हरदम बह रहा है, जा रहा है, नित्य निरंतर जा रहा है। सीधी सारी बात, सरल बात है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। इसको आप रखना चाहते हो, शरीर बना रहे, रुपया बना रहे, कुटुंब बना रहे, बिल्कुल गलती की बात है। रहेगा कभी नहीं, कभी रहा नहीं, कभी रहेगा नहीं, कभी रह सकता ही नहीं। ये तो पता है एकदम नाश जा रहा है, कैसे रह जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े धनी सेठ हुए, उनका भी रहना हुआ क्या, और अब कैसे रह जाएगा। ये नाशवान है, बिल्कुल नष्ट होने वाला है। और जानने वाला भी नाशी सोचे वो सोचे सिद्ध है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, है। तो चुप हो जाओ बस, अरे ये होते रहो, चुप हो जाओ थिर जाओ तो वो तत्व मिल जाएगा। और ये निरंतर जा रहा है, इस पर दृष्टि रहे, जाना ही जा रहा है इसका है तो तत्व मिल जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, एक है तत्व, उसमें स्थित हो जाओ तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। और ये सब उससे ये सिवाय है, सब नष्ट होने वाला है, जाने वाला है। अपना संबंध किसी के साथ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, ऐसे मान लो तो भी वो स्थिति हो जाएगी। दोनों में से आपको मर्जी है उसको ले लो, है उसमें से तो हो जाओ तो भी तत्व मिल जाएगा। और ये नाश रहा है, ठहर जाएगा नहीं, इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, तो ये वो स्थिति हो जाएगी। दोनों बातें कितने सुगम, कितने सरल है, इसमें कोई शंका हो तो पूछो, पूर्ण हो जाएगी। पूर्णता में संदेह हो तो पूछो, इन दोनों में संदेह हो तो पूछो। मन अपना स्वरूप तो नित्य निरंतर है, उस है में स्थित रहो, बस मौज हो जाएगी, जीवन मुक्त हो जाओगे। अथवा ये जा रहा है इससे हमारा संबंध नहीं है तो अपना ठीक हो जाएगा। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। कठिनता हो तो पूछो, क्या कठिनता आती है इसमें, क्या बाधा आती है बोलो। इसमें कहा है कि जो स्वभाव है
उनका अभाव नहीं होता, स्वभाव देते स्वभाव हो रहा है कोई नात्यभाव स्वभावानाम और भावाभाव विभाव भावाभाव भाव अभाव दो तरह के भाव है, इन दोनों को भाव है, अभाव भाव भाव रूप है, अभाव अभाव रूप है, वो ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते से वही ऐसे और एक बात थोड़ी यह है कि अपना जो स्वभाव है ना वो स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं सभी, स्वभाव से परिवर्तित उसका अभाव नहीं होते, स्वभाव से उच्चारण का स्वभाव है ज्यादा है, मनुष्य का स्वभाव है वैसा है, इसका स्वभाव शुभ का नष्ट होने का है और स्वयं का अविनाशी स्वभाव है, वो है जीव का त्यो है, उसमें स्थित हो जाओ तो ज्ञान हो जाएगा और ये जा रहा है इनके साथ संबंध न रखो, क्योंकि संबंध रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, कोई भी इनके साथ संबंध रख सकता ही नहीं, तो संबंध रखा मतलब जा रहा है अपना मतलब नहीं है, इससे हो जाओ निर्लेप तो बस बहुत हो जाएगा, कोई चीज एक ही चीज हो जाएगी, कोई फर्क नहीं रहेगा, कभी फर्क नहीं होगा, समझ में नहीं आवे, अड़चन आती हो, बाधा लगती हो, पूछो, संदेह हो तो पूछो, परिवर्तन हो रहा है नित्य निरंतर, जो प्रतीति हो रही है जो दिख रहा है वो निरंतर जा रहा है, अभाव हो रहा है, ये जितना आप जो भाव दिखता पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में भी नहीं भी जा रहा है, ये तीन बातें हैं, ये शरीर पहले नहीं था, 100 वर्ष पहले नहीं था, 100 वर्ष बाद में नहीं रहेगा, अभी वर्तमान में भी जा रहा है, जितनी जितनी उम्र आएगी उतना उतना अभाव हो गया, अब बाकी कितना है पता नहीं, बड़ा अभाव हो जाएगा इसमें भी, तो अभाव ही अभाव है, कहाँ मांगू कुछ फिरना रहा ही, देख तो मैंने चले जो जाए क्या मांगे किस मिस्ता मांगे, तो सब देख तो जा रहा है और जा रहा है उसके संबंध में जुड़े बस उस जा रहा है, ये बना रहे ये भावना गलती की है, ये बना रहे शरीर बना रहे कुटुंब बना रहे रुचि बने रहे ये है गलती, गलती का त्याग कर दे, भाव है जो बने जो जो परिस्थिति आवे उस अच्छे से अच्छा उपयोग कर दे, बस दुरुपयोग नहीं करे, पदार्थों का उपार्जन करो अच्छे अच्छे काम में लगाओ, उसके साथ ममता मत करो, अगर ममता करो तो रहेगी तो नहीं, तो मैं क्यों फजीती करो अपनी बेइज्जती करो, कितनी ममता करो चलेगा नहीं, क्यों ममता करो अच्छे से चुका में लगाते हो क्या बात है लगती है, ऐसे दलितों के साथ संबंध दो तो उनकी सेवा भी नहीं करो, वस्तुओं के साथ संबंध है तो अच्छे उपयोग में लगाओ, उनसे सुख ले रहे हैं भोग ले रहे हैं हम बना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, ये गलती है, होगा नहीं कुछ नहीं होगा, धोखा हो जाएगा, सिवाय धोखे को और कुछ नहीं मिलने का है, इसे आशा रखना है ना, जो नाश हो रहा है उसकी आशा रखना है, ये महान अनर्थ में जाना है, आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परम दुख, दुख ही नहीं परम दुख है, निराश है परम सुख है, वो भी सुख सुख नहीं परम सुख है, बड़ा भारी सुख है, उपयोग अच्छे से अच्छा करो, सावधान रहो अपना आसक्ति न हो जाए, कामना न हो जाए, इच्छा न हो जाए,
दुर्भाव न बढ़ना हो जाए, किसी का अहित न हो, सबका हित हो, जैसे करो सन से, मन से, वाणी से, शरीर से, पद से, अधिकार से, योग्यता से, बस निर्णय करो। निर्लिप्तता है वो असली चीज है, असली तत्व है। जो सत्र होगा, दोनों बात बताई, सत्र असत की, असत असत ही है, सत सत ही है, सत में अपनी स्वयं भी स्थिति है और असत संसार और शरीर ही है, यह असत है, नाश वन जा रहा है, हरदम नाश हो रहा है। उभय और विदृष्टोस्तनियोस्तत्वदर्शिनी, तत्वदर्शियों ने दोनों के तत्व को जाना है, नाश है नाश ही है, अविनाशी अविनाशी है, नाशवान नाशवानी है। ये स्वभाव बदलता नहीं, ये सही रहेगा, अपना पंड रहो। वो संबंध भी अपने मान रखा है, इस वास्ते आफत है। ये जो अपना स्वरूप है सत्वरूप, वो हमारा है ऐसा मान उसके जनाना, इसका नाम है नित्य योग। ये गीता का योग है, उसके साथ हमारा वास्तविक संबंध है, उसमें नित्य निरंतर स्थित रहना है। नित्य निरंतर स्थित आप रहते हैं, केवल इधर ख्याल करना है, उसमें कोई वियुक्त हो नहीं सकता, अलगता नहीं सकता, बस उसमें स्थित है, बस ख्याल कर दिया बस, और उसके सिवाय ये सब जा रहा है, मिट रहा है, प्रतीक्षण मिट रहा है। ये संबंध हमारा है नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। पुरुषा प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित रहता है तभी भोगता है, सुख दुख सब भोगता है, इससे वो नहीं तो रहना चाहिए, बस स्व दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित रहो, उसमें सुख दुख नहीं है, महान आनंद है। सुख और दुख तो दोनों साथ में, सुख और दुख जैसे रात दिन, ऐसे सुख और दुख है और आनंद है, उसकी दृष्टि नहीं है उसमें, जैसे राम सच्चिदानंद दिनेशा सा नहीं मोहने सा लवने सा, हमारे यहाँ रात और दिन दो है, सूर्य बिंदु नहीं है, अखंड भी नहीं है, प्रकाश ही है, लवलेस मात्र भी आती नहीं है, ऐसे उस रूप में आनंद ही आनंद है, दुख अलेस मात्र भी हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, और इसमें आनंद सुख हो जाएगा, बहम हो जाएगा, सुख हो जाएगा, सुख हो जाएगा, बहम कोरा बहम है, धन हो जाएगा निहाल हो जाएगा, ये हो जाएगा तो निहाल हो जाएंगे, स्वास्थ्य संबंध निहाल हो जाएंगे, मकान बजान निहाल हो जाएंगे, वर्षा हो गई निहाल हो जाएंगे, खेती हो जाएगी निहाल हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे ही है, ऐसा नहीं मैं तो निहाल हो गया हूँ भाई, स्वास्थ्य शादी हो गई निहाल हो गया, वर्षा हो गई निहाल हो गया, ऐसा काम हो गया निहाल हो गया, एक ही नहीं मिलेगा, हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे, हर कुछ नहीं धोखा होगा, तो इनका भरोसा नहीं कर, विश्वास नहीं करे, बड़ी सीधी सरल बात है। चलो जाए शांत, कुछ भी न करे, पूरा हो जाए
मन में कोई बात आ जाए तो उसके साथ संबंध न जोड़े, हुआ भी मिट जाएगा, हवा ही और चलेगी आप ही, ना तो हवा को भी रखना है ना हवा को मिटाना है, ऐसे मन में हवा है, कोई बात आ गई चलेगी तो चलेगी, कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं। क्या कहा, क्या कहा भाई? रूप रूप दिखा स्वरूप कौन दिखे, तो रूप नहीं है ये मान, और दिखे दिखा नहीं है, नहीं है ये बात रखो। साधन आप जहाँ से शुरू हुआ वहां से हो जाएगा, रूप रूप दिखे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और हम ये रखो ख्याल, बस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। निषेध करते स्वरूप रह जाएगा, आप साफ शिष्य से शेष संज्ञा रूप शेष कैसे बाकी, जमा देने राम जी राज देते हैं बाबर ये दो शेष बाकी बाबर ये दो शेष परमात्मा रहेगा, इन शिष्टा संतो मुस्लिम के विषय यज्ञ का शेष भोजन कर सब पापन हो गए, यही शिष्टा कर तो जानते यज्ञ शेष का भोजन करते और परमात्मा प्राप्त होते हैं, शेष वो तत्व ही रहेगा और कोई शेष रहेगा नहीं, बस उसमें स्थिर रहो। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 28 अक्टूबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे इंस्टीट्यूट के बाहर बिना सत्वरा पर हुआ। राम